आज हम आपके लिए लाए हैं बिस्किट्स की रेसिपी। ये वीडियो पूरा देखें और जानें कि घर पर ही इग्लिस और बेकरी स्टाइल बिस्किट्स कैसे बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू कुक विद भूमिका। बिस्किट्स बनाने के लिए चाहिए एक कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर। हम पिघला हुआ या ठंडा बटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो बिस्किट्स अच्छे नहीं बनते हैं। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक कप पीसी हुई शक्कर, दो कप मैदा, एक चौथाई टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक चुटकी बेकिंग सोडा, एक चौथाई टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। दूध ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और मिक्स ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक साथ दो बार छान लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल में बटर को निकालकर उसे स्मूथ होने तक अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर डालकर शक्कर घुलने तक इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आटा नरम है तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैदे के बदले गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अनसॉल्टेड बटर या घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चुटकी नमक ज़रूर डालिए, इससे बिस्किट का टेस्ट एनहेंस होता है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट के बदले एक चौथाई टीस्पून इलायची का पाउडर या फिर अपना कोई भी मनपसंद फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ऑप्शनल है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आटा अच्छे से लगाने से भी बिस्किट्स अच्छे बनते हैं। बिस्किट का आटा तैयार है और इतना आटा लगाने में करीबन एक टेबल स्पून जितना दूध इस्तेमाल हुआ है। अब हम कुकी कटर की सहायता से बिस्किट्स को मनपसंद शेप में कट कर लेंगे या फिर किसी भी बॉटल के कैप से भी बिस्किट्स को कट कर सकते हैं। बिस्किट्स को हाथों की सहायता से भी बनाया जा सकता है। इस तरह से इसको राउंड करके फिर फ्लैट कर लेंगे तो भी ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। फिर इसे हल्के हाथों से दबाकर राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इसे बेकिंग टिन में रख के थोड़ा सा सेट कर लेंगे। बाकी के बिस्किट्स को हम कुकी कटर की सहायता से कट कर लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा आटा इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम कुकी कटर की सहायता से इसे थोड़ा सा इस तरफ ले लेंगे, क्योंकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट है तो ये बिस्किट हाथ से नहीं उठेगा। हमने यहाँ पर नॉनस्टिक और माइक्रोवेव सेफ बेकिंग टिन इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे ग्रीस नहीं किया है। अगर आप कोई और बेकिंग टिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे ग्रीस ज़रूर करें या फिर बटर पेपर इस्तेमाल करें और दो बिस्किट के बीच में थोड़ी सी जगह रखें क्योंकि ये फूलेगी। अगर आप चाहें तो दो बटर पेपर के बीच में बिस्किट का आटा रखकर उसे बेल कर एक साथ सारे बिस्किट्स भी कट कर सकते हैं। अब हम इस फ्लावर शेप के बिस्किट के ऊपर फोक की सहायता से एक लीफ का डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो फोक या विस्क की सहायता से मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर इसे प्लेन भी रख सकते हैं। बिस्किट के आटे में दो टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, कोको पाउडर या स्ट्रॉबेरी पाउडर डालकर उस फ्लेवर का बिस्किट बना सकते हैं और बाकी के बिस्किट भी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से बिस्किट्स बेक होने के लिए तैयार है। और ये आटा आप एक दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बाद में भी बिस्किट्स बना सकते हैं। माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे। माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। अब इसे खोलकर इसके अंदर लोअर रैक रख देंगे और इसके ऊपर बेकिंग टिन रख देंगे और इसे बंद करके 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। हर माइक्रोवेव का सेटिंग अलग होता है तो आप उस हिसाब से टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हैं।
ओटीजी में ये बिस्किट 7 से 8 मिनट में बन जाते हैं। और कढ़ाई में मीडियम आंच पर लोअर रैक रखकर ढककर करीब 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने के बाद उसके ऊपर बेकिंग टिन रखकर ढककर धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक बिस्किट बेक करने से कढ़ाई में भी बढ़िया से बिस्किट तैयार होते हैं। अब हम बिस्किट्स को बाहर निकाल लेंगे। बिस्किट्स को ठंडे होने देंगे क्योंकि इसे गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। एगलेस और बेकरी स्टाइल बिस्किट्स घर पर भी बन सकते हैं, और अगर आपके पास एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उसका ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वीट बेकिंग में मेजरमेंट हमेशा परफेक्ट लेने से परफेक्ट बेकिंग होती है। ये देखिए हमारे परफेक्ट बेकरी स्टाइल बिस्किट्स। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। ये बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में बने हैं। जितने परफेक्ट ये ऊपर से लग रहे हैं उतने ही परफेक्ट ये अंदर से भी है, ये देखिए। और इसे खाकर इसका क्रंच भी सुनिए। बिस्किट्स ठंडे होने के बाद किसी भी ड्राई ग्लास एयरटाइट कंटेनर में एक हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, और ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि स्टोर करने के लिए भी नहीं बचते हैं। तो आज अपने फैमिली को बिस्किट्स ज़रूर सर्व करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इससे हमारे चैनल की हर सिंगल अपडेट आप तक रेगुलर पहुँचेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, हैप्पी ईटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।